हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सबका रॉयल आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आज 19 अक्टूबर 2021 के मेन आर्टिकल्स को हम देखने वाले हैं, जो स्टेट पीसीएस और पर्टिकुलरली यूपीएससी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे। कोई भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड मैटर पे हम केयर नहीं करते, वी ओनली केयर फॉर विच विल बी आस्क्ड इन आवर पेपर। सो द वेरी फर्स्ट केस, एक नए टेररिस्ट ग्रुप का नाम आया है PAFF, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट। ऐसा एनआईए का कहना है कि जम्मू एंड कश्मीर में ये जो टेरर आउटफिट हैं, ये सारे रिवाइवल कर रहे हैं खुद को। इससे पहले भी कई सारे रहे हैं, हक्कानी नेटवर्क हो, अलकायदा हो, कई सारे रहे हैं। तो मे बी जब आप मेंस का पेपर लिखेंगे और उसमें टेररिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन अगर होगा, तो आप मेंशन कर सकते हैं कि रिसेंट ईयर में ये कुछ नए फ्रंट वहां पे रिवाइव हुए हैं। एनआईए नेशनल एजेंसी है अपने कंट्री का, ये इन्वेस्टिगेट करती है टेररिज्म से रिलेटेड हर एक मैटर को। एनआईए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एनआईए नहीं है, सीबीआई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, दिल्ली रिपोर्ट्स दिस ईयर फर्स्ट डेंगू डेथ। ये जो डेंगू का डिजीज होता है, वायरल होता है, वायरस के कारण होता है, और जिस मॉस्किटो को इसके लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाता है उसे एडिज एजिप्टी बोलते हैं। अगर आपको एक भी लेटर इसका फर्स्ट वाला ही टर्म अगर आपको याद हो गया तो भी आप वहां क्लिक कर देंगे सही ऑप्शन पर, एडिज एजिप्टी। ये मॉस्किटो का नाम है, ये फीमेल मॉस्किटो होती है, और इसके काटने से, इसके वाइटिंग से न केवल डेंगू होता है बल्कि येलो फीवर भी होता है। डेंगू, येलो फीवर, इवन इन सब के अलावा जीका फीवर, चिकनगुनिया, मायोरो, ये सारे के सारे डिजीज इस एडिज एडिप्टी के कारण होते हैं, इसके वाइट करने के कारण होता है। डेंगू मॉस्किटो की पहचान होती है, उसका जो लेग होता है उस पे मार्क्स बने हुए होते हैं वाइट वाइट के, तो आप इजीली उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये डेंगू देकर जाएगा या नॉर्मल मॉस्किटो है। डेंगू से रिलेटेड या इस टाइप के क्वेश्चंस हर बार आते हैं बायो सेक्शन में, बायोलॉजी वाले सेक्शन में। तो फिलहाल डेंगू एडिस एजिप्टी के काटने के कारण होता है, आप ये याद रखें। येलो फीवर, चिकनगुनिया, मायोरो, ये सारे डिजीज इन्हीं से फैलते हैं। आर्मी ऑफिसर्स ट्रेन करेगी एलएसी। एलएसी का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया और चाइना के बीच में है, और एक्चुअली ये टोटल तीन फ्रंट पे है, ये टोटल तीन फ्रंट पे है लाइन ऑफ कंट्रोल। तीन फ्रंट कौन कौन सा है? एक फ्रंट जो हमेशा शांत बना रहता है और वो है हिमाचल और उत्तराखंड का पोर्शन। वहां पे आप नहीं सुनेंगे कि चाइना और इंडियन आर्मी के बीच में कुछ झड़प हुआ है। दूसरा पोर्शन है लद्दाख का। जो लद्दाख का पोर्शन है, चाहे वो गलवान वैली हो या और दूसरे काराकोरम के साइड वाले एरिया जो, ये सेकेंड फ्रंट है जहां से एलएसी पास करती है। और तीसरा फ्रंट है अरुणाचल प्रदेश का, जहां पे आप दिसपांग प्लेन वगैरह का नाम सुनते हैं। ये दोनों, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश का एरिया, हमेशा वायलेंस का विटनेस होता है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड चाइनीज आर्मी। अभी पिछले साल अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने जो एलएसी का एरिया है उसके आसपास एक गांव बसाया हुआ है, एक गांव बनाया है उसने, विलेज नया बसा दिया है, एक नई स्ट्रेटजी है चाइना की। इससे रिलेटेड, एलएसी से रिलेटेड चीजें मिलते रहती है, कुछ खास इसमें नहीं है। हाँ, लेंथ वगैरह अगर आपको याद हो, एलएसी का लेंथ कितना है, चाइना इंडिया के साथ कितना बॉर्डर शेयर करता है, सबसे लंबा बॉर्डर कौन शेयर करता है, तो ये सब प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए तो फॉरेन पॉलिसी आपको देखना चाहिए। सेकेंड पेज में फिर से फर्स्ट पेज का जो शॉर्ट टर्म था वो डिटेल में दिया गया है। फर्स्ट डेंगू डेथ के बारे में बातें की गई है।
एचसी अलाउज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ 24 वीक प्रेगनेंसी, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ना केवल सोशल इशू पर लेकर के गवर्नमेंट की पॉलिसी या वुमेन एम्पावरमेंट कह लें, ये बहुत सारे टॉपिक को कवर करेगा। ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिल 2020 में गवर्नमेंट फिर से लेकर आई है। हम इस पे दोनों पे नजर डालेंगे कि पहले ये बिल क्या था और गवर्नमेंट ने क्या मॉडिफाई किया है। उससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट का कहना क्या है ये देखते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि एक 24 साल की लेडी है, उनको परमिट किया जाए टू गो अंडर द प्रोसीजर ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ हर 24 वीक प्रेगनेंसी। ये 24 वीक एंड 20 वीक, इन दोनों से ही हम इस पूरे टर्म को, इस पूरे आर्टिकल को समझने वाले हैं। कॉज ऑब्वियस ही बात है कि सर्वाइवल का, जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसका सर्वाइवल का बहुत ही रिमोट चांसेस रहा होगा, है ना। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि इस लेडी को, इस लेडी की प्रेगनेंसी टर्मिनेट किया जा सकता है और उसने ऑर्डर दिया है। इनफैक्ट आफ्टर श्योरली किसी मेडिकल बोर्ड के गठन के बाद ही ये बातें होगी, कोई मेडिकल बोर्ड एडवाइज करेगा। जैसे यहाँ पे लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल है एक दिल्ली में, तो उसने रिकमेंड किया है कि हाँ इनके प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। हम समझते हैं कि कौन सा एक्ट है जो इस प्रेगनेंसी से रिलेटेड टर्मिनेशन, नॉट टर्मिनेशन, परमिसिबल नॉट परमिसिबल को रेगुलेट करता है। इसका नाम है द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, MTPA, मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी ऑफ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ये कहता है कि 20 सप्ताह तक के प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है विदाउट एनी सीवर कॉज जो कि हैपन होने वाला है, या विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। किसी को कहीं कोर्ट वोट के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। बट बियॉन्ड दैट 20 वीक से ज्यादा की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है। स्टैट्यूटरी यानी कानून के हिसाब से वो इलीगल हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ है कि इसी साल जनवरी में, आई मीन 2020 में, 2021 में नहीं, लास्ट ईयर 2020 जनवरी में यूनियन कैबिनेट ने इसमें अमेंडमेंट प्रपोज किया है और इसलिए इस एक्ट का नाम होने वाला है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2020, जिसमें 20 सप्ताह को 24 सप्ताह करने की बात की गई है, पर्टिकुलरली उनके लिए जो अनवांटेड प्रेगनेंसी के शिकार हैं, जो नहीं चाहते हैं, जिनकी सोसाइटी में एक तरीके से स्टेटस डिटेरियरेट होने वाला है आफ्टर हैविंग द चाइल्ड, उनके लिए केवल। डिटेल में इसे पढ़ने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, आपके लिए केवल ये दो टर्म इंपॉर्टेंट हैं, 20 वीक इन नॉर्मल केस, 24 वीक इन अ स्पेशल केस। सो दिस इज ऑल अबाउट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। बात करेंगे हम अगले आर्टिकल की, रेन लिफ्ट सिटी एयर क्वालिटी टू गुड कैटेगरी। ऑब्वियस ही होता है, वाटर में ऑक्सीजन होता है और जब ऑक्सीजन एम्प्योरिटी के साथ मिलेगा तो वो अपना पोर्शन से जो एम्प्योरिटीज है उसे डाइल्यूट करेगा, एम्प्योरिटीज को हटाएगा। तो रेनफॉल अगर पॉल्यूटेड एरिया में हो जाए तो थोड़ी देर के लिए तो एनवायरमेंट बहुत क्लीन हो ही जाता है। इसमें देखते हैं कुछ आर्टिकल जो आपको बार बार आकर के याद दिला जाते हैं, जैसे PM2.5, पर्टिकुलेट मैटर 2.5, ये एक एयर पॉल्यूटेंट है। रिकॉर्ड या डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है कि अभी 1% है कि 14% है, एक्चुअली ये PM2.5 ऑलरेडी 400 को शूट कर चुका है, 400 ppm से ऊपर जा चुका है ये, और ये आज की नहीं, आज 6 साल हो गए ऐसा हुए हुए। और जबकि एयर क्वालिटी 0 से 50 तक में सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है, यह स्केल होता है इंडिया में 0 से 500 तक का स्केल है, यूएसए में 50 तक का है। तो मैं इंडियन टर्म में बात कर रहा हूँ, 0 से 50 तक सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है कि काम चल जाएगा, लेकिन 300 से 400 बहुत सीवियर हो जाता है। और PM2.5 आज से 6 साल पहले जब ब्रायन लारा ने 400 रन बनाए थे, ठीक उसी दिन दिल्ली का जो एयर क्वालिटी में पीएम का अमाउंट था
वो 400 क्रॉस कर गया था पीपीएम। 400 पीपीएम का मतलब होता है पर्टिकुलेट मैटर पर मिलियन, है ना, पर मिलियन आप उसे कह सकते हैं। ये याद करने का अच्छा तरीका है, और इनफैक्ट तभी से मुझे आज तक याद है कि 400 तो कब का ये क्रॉस कर चुका है। न्यूज़पेपर ने उस दिन क्या किया था, लारा को एक तरफ और साथ में एयर क्वालिटी को दिखाया था, दोनों 400 के पार पहुंच गए थे। आगे इसमें कहा जा रहा है कि सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च। आपने सफर का नाम तो सुना ही है, सफर का पूरा नाम है, देखो फुल फॉर्म तो नहीं पूछेगा, लेकिन जब आप मेंस की बात करते हैं तो मेंस में आप पॉल्यूशन या एनवायरमेंट की बात करेंगे, यू कांट गो विदाउट नोइंग कि सफर एस्टेब्लिश किया हुआ कब हुआ था, सफर है क्या, ये सारी चीजें। सफर का पूरा नाम है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। ये नेशनल इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का है। सफर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। सफर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का एक इनिशिएटिव है, नेशनल इनिशिएटिव है इनफैक्ट, जो एयर क्वालिटी को मेट्रोपॉलिटन सिटी में मेजर करता है। ध्यान रहे मैं मेट्रोपॉलिटन बोल रहा हूं, ऑल ओवर इंडिया की बात नहीं हो रही है। दूसरी खासियत इसकी है कि ये इंडिजेनसली डेवलप्ड है, यानी बिल्कुल डोमेस्टिक डेवलपमेंट है, किसी कंट्री से हमने कोई सॉफ्टवेयर उधार नहीं लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का तो है ही। डेवलप किया गया है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM के द्वारा, IITM। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है कहाँ, पुणे में। जी हाँ, वही पुणे जहां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, NIV है। तो देखें सफर से कितनी चीजें कनेक्ट हो गई। सफर जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का, बच्चे गलती करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट करके आ जाएंगे या सैनिटेशन टाइप का कुछ लगा देंगे, लेकिन ये उसका नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का है। सफर एक नेशनल इनिशिएटिव है जो IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो पुणे में सिचुएटेड है, इसके द्वारा डेवलप किया गया। कुछ और चीजें इसमें देख लेते हैं। लोकल लैंड सरफेस आर वेट एंड सो डस्ट रीज सस्पेंशन इज मिनिमम विच लीड्स टू लो PM10। जब एनवायरमेंट, जब सरफेस वेट होगा, जब सरफेस ह्यूमिड होगा, एयर ह्यूमिड होगा, तो PM10 या कोई भी जो पर्टिकुलेट मैटर है, ऑब्वियस सी बात है, वो सेटल्ड हो जाएंगे, उनका परजेंस कम हो जाएगा। देखो प्री में क्वेश्चंस घुमाए जाते हैं, पीएम पर्टिकुलेट मैटर का मतलब है सस्पेंडेड मैटर, तो सस्पेंडेड मैटर गर्मी के मौसम में या ऐसा कुछ ह्यूमिडिटी नहीं हो उसमें ज्यादा होंगे, ह्यूमिडिटी में वेट की वजह से वो सेटल हो जाएंगे। AQI विथ लो PM2.5 मोस्ट मॉइस्ट सर्फेसेस इनहिबिट री सस्पेंशन ऑफ डस्ट विच विल कीप AQI इन गुड फॉर नेक्स्ट 24 आवर। यही मैं कह रहा था कि मॉइस्ट सर्फेस सस्पेंडेड पार्टिकल को सेटल कर देता है ना। तो अगर प्री में क्वेश्चन आ जाता है कि सस्पेंडेड पार्टिकल या पीएम पार्टिकल्स के लिए क्या कंडीशन होगा ज्यादा होने के लिए, तो ड्राई सिचुएशन उसे फेवर करेगा, मॉइस्ट सिचुएशन उसे फेवर नहीं करेगा। सफर के बारे में एक दो और बातें कर लेते हैं। सफर एक LED डिस्प्ले पर रियल टाइम एयर क्वालिटी बताता है 24/7 और 72 आवर का एडवांस फोरकास्टिंग करता है। ये यहां देखो लिखा हुआ है रीजन फेल टू 170 ऑन मंडे फ्रॉम 1572। मैं इसमें से 72 ले लेता हूं। 72 आवर का एडवांस फोरकास्टिंग करता है सफर, 24/7 मॉनिटरिंग होती है। इतना काफी है आपके लिए सफर को जानना। बढ़ते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। दिल्ली में कहा जा रहा है कि 1960 के बाद बेटेस्ट अक्टूबर है, बारिश हो रही थी अभी वहां पे, तो हर जगह यही है, केरला में बिन मौसम बरसात हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में ड्राई सीजन है, कल हमने डिस्कस किया था रीजन इसका, दोनों जगह
एक तो अरबियन सी में लो प्रेशर डेवलप हुआ है, उधर बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर डेवलप हुआ है, लेकिन दोनों का दो इफेक्ट है। अरबियन सी में जो लो प्रेशर डेवलप हुआ है उसके कारण केरला में बारिश हो रही है, फ्लैश फ्लड हो रहा है, जबकि वे ऑफ बंगाल में जो लो प्रेशर डेवलप हुआ है उसके कारण नॉर्थ ईस्ट में जबरदस्त हीट पड़ रहा है, जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। गवर्नमेंट स्टार्ट कैंपेन टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बहुत एक्टिव रहते हैं, उनका एक स्लोगन है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, और ये एक पीसीएस ने पूछा हुआ है, नहीं भी पूछता तो भी इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछे जाएंगे। ये स्लोगन है दिल्ली का, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। एक टर्म यूज हुआ है डेवलपमेंट ऑफ ताजपुर फोर्ट, ताजपुर पोर्ट, ताजपुर पोर्ट। पोर्ट अभी कंट्री में मेजर 13 है, आपको 12 तो जरूर याद होगा, एक पिछले साल बढ़ाया गया था बाधवा एयरपोर्ट, अगर आपको याद हो तो। बाधवा एयरपोर्ट जो कि महाराष्ट्र के अंडर आता है, टोटल कंट्री में 13 मेजर एयरपोर्ट है अभी। मुंद्रा एयरपोर्ट, मुंद्रा जो गुजरात में पड़ता है, जो हेरोइन जहां से 3,000 किलोग्राम बरामद किया गया था और अदानी उसे ऑपरेट करता है, तो आप अदानी से ही समझ सकते हैं कि वो प्राइवेट एयरपोर्ट है मुंद्रा। ये ताजपुर जो पोर्ट है ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का प्रपोजल है और ये ग्रीन फील्ड पोर्ट होगा, तो मैट्रिक्स मैच में आ सकता है कि मुंद्रा कहाँ है और ताजपुर कहाँ है। ये मुंद्रा एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है पूर्वा मेदनीपुर, साउथ ईस्ट में वेस्ट बंगाल के एक डिस्ट्रिक्ट है मेदनीपुर, दो पार्ट में है, वहां पे ये ताजपुर पोर्ट है। ऑब्वियस सी बात है रिवर्स के पास है, वेस्ट बंगाल का रिवर हुगली और जिसे आप ब्रह्मपुत्र कहते हैं, है ना, साइड से वो वहीं पे ब्रह्मपुत्र और अपना गंगा दोनों मिलकर के, दोनों का वहीं पे मिलन होता है, सुंदरवन उसी में बसा हुआ है। ये ग्रीन फील्ड पोर्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रीन फील्ड पोर्ट, ग्रीन फील्ड का कंसेप्ट ही इनफैक्ट इंपॉर्टेंट है। सो अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की खोज है हमें, किस पेज में क्या मिलेगा। हर एक आर्टिकल अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एक टर्म यूज हुआ है कुशीनगर, नई उड़ान नई पहचान। कुशीनगर, कुशीनगर से आपको महात्मा बुद्ध याद आते होंगे, यहां आप आर्टिकल में देख सकते हैं। महात्मा बुद्ध का यहाँ पे महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी यहाँ पे उनकी डेथ हुई थी कुशीनगर में, कब, 463 BC में इनकी डेथ हुई थी, 483 BC में, 463 नहीं 483 BC में इनकी डेथ हुई थी। कहाँ, कुशीनगर में, ये वही कुशीनगर है। कुशीनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पे डेवलप किया गया है, तो यूपीपीसीएस टाइप के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। मिनिस्टर डिफेंस ऑफिसर्स हु पोज्ड इन सैफ्रॉन अटायर। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल हर एक पर्सन को उसके मन से किसी भी रिलीजन को फॉलो करने का राइट देता है, राइट टू रिलीजन फंडामेंटल राइट है। सो इसमें कोई नई बात नहीं है, हाँ पॉलिटिकली हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, ऑफिसर हो चाहे कोई भी हो वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है। एक बहुत ही पिक्चरस्क्यू टाइप का पिक्चर दिया गया है, यहाँ पे फोटो दिया गया है, एक ग्लॉसी आइविस जिसका साइंटिफिक नेम है पेलागडिस फ्लैंसिलेस फ्लाइंग पास्ट ए फ्लॉक ऑफ स्पॉट वाइल्ड पेलिकन्स। ये कहाँ पाए जाते हैं, कोयम्बटूर तमिलनाडु, साउथ इंडिया वाले हैं ये, है ना। ज्यादातर ये माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, कोयम्बटूर में याद होगा आपको एक लेक भी है, तो यहाँ टैंक यूज किया गया है टर्म। एक टैंक पर का ये पिक्चर है जहां एक व्हाइट के ऊपर से एक ब्लैक सेम स्पीसीज या कहीं ना कहीं उसका रिलेटिव क्रॉस कर रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं। मुंबई लॉस्ट 40% ग्रीन कवर बिटवीन 1991 एंड 2018। पिछले 28 साल में
40% ग्रीन कवर मुंबई का चला गया। कहां चला गया? ऑब्वियस ही बात है, जो रियल एस्टेट सेक्टर है, पेड़ों को काट करके जो घर बनाए गए हैं, मुंबई, दिल्ली, जितने भी मेट्रोज हैं, यहां पे एक ही काम हुआ है। एक क्वेश्चन भी आया था, यूपीएससी का क्वेश्चन ये था, और यूपीपीसीएस और बीपीएससी, दो तीन स्टेट ने पूछा था कि ग्रीन कवर में, ग्रीन कवर लॉस में सबसे ज्यादा योगदान कंट्रीब्यूशन किसका है? एग्रीकल्चर का, रियल एस्टेट सेक्टर का, दो और एक्टिविटी थे ऐसे। तो एक्चुअली ये रियल एस्टेट सेक्टर है, इसने ना केवल ग्रीन कवर को हटा दिया है बल्कि एग्रीकल्चर लैंड को भी हटा दिया है, एग्रीकल्चर लैंड को भी गैलोप कर गया, ये खा गया है रियल एस्टेट सेक्टर। सो 40% गया या 80% गया मैटर नहीं करता है, रीजन क्या है ये जरूर मैटर करता है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। एडिटोरियल में ऐसा कुछ नहीं है जो प्री में काम आ सके, मेंस के लिए आपको लाइंस मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक ओवर सिंप्लीफाइड मॉडल्स की बात की गई है कॉम्प्लेक्स सोशल सिस्टम के लिए, कहीं ना कहीं बहुत हाई लेवल के इंटेलेक्चुअल वाली बातें हैं, आपको टर्म्स तो मिलेंगे नो डाउट। एक इंफॉर्मेशन दिया गया है कि 2021 का जो नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में दिया गया डेविड कार्ड को, इन्होंने किया क्या था, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट और वेज को रिलेट किया है। डेविड कार्ड नाम याद ही होगा आपको, और भी लोगों को मिले इनके साथ, हाफ इनको मिला और हाफ में दो और लोग हैं। इसमें टर्म्स आपको मिल सकते हैं नो डाउट, बहुत अच्छे अच्छे टर्म मिलेंगे आपको, बट प्री के लिए कुछ ऐसा खास नहीं है, एक्सेप्ट कि नोबेल प्राइज तो आपको सारे मालूम होने चाहिए, और वो एक कोड में एक अलग टॉपिक पे सब कुछ बता दिया जाएगा आपको। ये एक क्यू खान नहीं रहे अब, इनके बारे में आज आर्टिकल आया है, कुछ भी इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तो वो हमारे कंट्री के थे और ना ही हमें उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब दिया, तो ये हमारे काम का तो बिल्कुल नहीं है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अ शैडो फॉरेन पॉलिसी फॉर फर्स्ट टाइम, ऑब्वियस ही बात है लिखने वाले गवर्नमेंट के अगेंस्ट रहे होंगे। सो नो डाउट नई नई बातें करेंगे अपने तरफ से, जो इनको लगेगा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किसी एक कंट्री की तरफ इंटेंड हो गया है या ऐसा कुछ। मेंस के लिए अगर कुछ अच्छा लगे तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज नथिंग इंपॉर्टेंट। मनीष तिवारी जी कुछ आर्टिकल लेकर के आए हैं, कांग्रेस के ये मेंबर हैं, तो ऑब्वियस ही बात है अपोजिशन में चलेंगे। इनका कहना है कि कास्ट काउंट बहुत जरूरी है, जल्दी से करो। इन्होंने कुछ आर्टिकल्स दिए हैं कि आर्टिकल 17 जो कि अनटचेबिलिटी एबोलिश करता है, आर्टिकल 23 जो ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग और फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है, आर्टिकल 24 जो चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। आई डोंट नो ये क्या कहना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, और मैं इस आर्टिकल में इंटरेस्टेड भी नहीं हूं इनके आर्टिकल में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के लिए तो भूखे प्यासे आपको इंटरेस्टेड रहना पड़ेगा। आर्टिकल 335 प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बोथ अंडर यूनियन एंड द स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कौन सा? ये मनीष तिवारी वाला नहीं, आर्टिकल 335 नंबर। आर्टिकल 335 इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्री बट ऑल्सो फॉर सेंटेंसेस इन मेंस। 335 नंबर कहता है एससी एसटी को रिजर्वेशन दो, कहां दो रिजर्वेशन? यूनियन और स्टेट एम्प्लॉयमेंट में। तो एक बार पढ़ लें, कोई बुराई नहीं है, कम से कम ये आर्टिकल तो रिवाइज हो जाएंगे आपके। एक टर्म आया है लाइव स्टॉक ब्रीडिंग, ये भी आर्टिकल ही है, इंप्रूविंग लाइव स्टॉक ब्रीडिंग। एक बार इस आर्टिकल पे नजर डालते हैं, फिर मैं आपको इसके पीछे की कहानी बनाता हूं और बताता हूं, और क्वेश्चंस क्या बनेंगे इस पे वो डिस्कस करेंगे। लाइव स्टॉक ब्रीडिंग इन इंडिया हैज बीन लार्जली अनऑर्गेनाइज, कोई डाउट नहीं है इसमें, हम कितनी गाय भैंस पालते हैं इसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। Because of which there have been gaps in forward and backward integration across the value chain. Such a scenario impacts the quality of livestock. Mains के लिए बहुत अच्छा आर्टिकल है, no doubt. Economy वाले में।
दैट इज प्रोकर्ड एंड इन टर्न निगेटिवली इम्पैक्ट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ठीक है जी. अप्रोक्सिमेटली 200 मिलियन इंडियंस आर इन्वॉल्व इन लाइव स्टॉक फार्मिंग. डाटा दिया इन्होंने, ऑथेंसिटी क्या है नहीं पता. इंक्लूडिंग अराउंड 100 मिलियन डेयरी फार्मर्स, रफली 80% वोविंस होते हैं ये दूध दही वाले, इन द कंट्री आर लो ऑन प्रोडक्टिविटी एंड रियर्ड बाय स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जो कि सबसे ज्यादा है कंट्री में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, है ना, 80% से ज्यादा है ये. टू इनहेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैटल द राष्ट्रीय गोकुल मिशन, हम इसी को सर्च कर रहे थे, राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब आया था 2014 में. आपको गाय पालने के लिए, गौशाला खोलने के लिए गवर्नमेंट पैसे देगी, अब ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन का एक मिशन था. कब आया था ये 2014 में, गवर्नमेंट जैसे ही आई राष्ट्रीय गोकुल मिशन आया. विद ए फोकस ऑन द जेनेटिक अपग्रेडेशन, दूसरा मिशन क्या था इसका कि जेनेटिकली जैसे क्रॉप को हम मॉडिफाई कर लेते हैं वैसे एनिमल को भी मॉडिफाई करें और थोड़ा सा दूध और ज्यादा मिले हमें, है ना, मिल्क ज्यादा मिले, मीट ज्यादा मिले, ये सारी चीजें. जब हम छोटे एनिमल्स की बात करते हैं, गॉट वगैरह की बात करते हैं, उसके मीट की बात कर रहा हूँ. थ्रू बायोडस्प्रीड इनिशिएटिव ऑन आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन, सेक्स सॉर्टेड सीमेन एंड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये सबको पता होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना, फर्टिलाइजेशन आउट ऑफ वॉम. तो एक तो ये अपना था राष्ट्रीय गोकुल मिशन, कब आया 2014 में. लेकिन अपन बात कर रहे थे किसकी, लाइव स्टॉक ब्रीडिंग की. एक्चुअली एक नेशनल लाइव स्टॉक मिशन भी है, ये देखिए नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, थोड़ा सा और पढ़ देते हैं. द रिवाइज वर्सन ऑफ द राष्ट्रीय गोकुल मिशन एंड नेशनल लाइव स्टॉक मिशन प्रपोज टू ब्रिंग फोकस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप. अब बात हो रही है कि जैसे लोग इंडस्ट्री चलाते हैं वैसे भी इसको भी इंडस्ट्री टाइप का बना दो, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेनर बनाओ लोगों को, उनको मोटिवेट करो, गवर्नमेंट ऐसा कुछ करे कि लोग गाय भैंस पाले और एंटरप्रेनर बन जाएं. डेवलपमेंट एंड ब्रीड इंप्रूवमेंट इन कैटल बुफालो पोल्ट्री सीप गोट एंड पिगरी बाई प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स टू इंडिविजुअल एंटरप्रेनर्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर कोऑपरेटिव, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेक्शन 8 कंपनीज फॉर एंटरप्रेनरशिप डेवलपमेंट एंड सो ऑन. चलिए, जो हमें चाहिए था वो मिल गया. मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसमें एनएलएम को. एनएलएम, एनएलएम का मतलब है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन. ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2014-15 में, फाइनेंशियल ईयर था 2014-15. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, MOAFW, इनका ये प्रोग्राम है. रूरल डेवलपमेंट वगैरह ना सोच लें आप, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का ये प्रोग्राम है और इनका ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लाइव स्टॉक सेक्टर. सस्टेनेबल का मतलब होता है आपका खर्चा चले लेकिन आने वाली पीढ़ी के खर्चे पर नहीं. एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आजकल प्री में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रहा है लाइव स्टॉक का पिछले 5 साल का, वो 8.15% है. ये रिकॉर्ड है 2014 से 2019 के बीच का, यानी 2014 में अगर टोटल जानवर 100 थे तो 2019 में वो 108 हो गए हैं. ठीक है, ये ग्रोथ रेट रहा है लाइव स्टॉक का, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. ये वो समझ पाएंगे जिन्होंने 2-4 बार प्री दिया है कहीं का, बहुत अच्छे से वो समझेंगे इसकी ग्रेविटी को. अदरवाइज बाकी को ये लगेगा कि इसमें तो कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है. सब कुछ इसमें इंटरेस्टिंग ये है जो आपको यूपीएससी क्लियर करवाएगा. बहुत दिनों से चर्चा चल रहा है न्यूट्रिशन की, जब से इंडिया को 101 पे रखा गया है. ऑब्वियस ही बात है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को जो इंडिया को 101 नंबर पे दिखा दे भूखा में, उसके साथ तो बहुत कुछ होना चाहिए. एनीवे, वी आर सिविलाइज्ड पीपल. कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ है, ये 101 तो सबको याद हो गया होगा, है ना, बांग्लादेश पाकिस्तान सब हमसे आगे है, हम ही सबसे पीछे हैं. लास्ट टाइम हम 94 पर थे, इस बार 7 लोग और ज्यादा भूखे हो गए इंडिया में. खैर, न्यूट्रिशन असेसमेंट का डाटा दिया गया है इसमें. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो 5वां सर्वे हुआ था उसके डाटा को भी यूज किया गया है. आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं, और ग्राफ से अगर ना समझ में आए तो आप डाटा को पढ़ सकते हैं. जैसे देखिए ग्राफ क्या है, ये ग्रीन वाला क्या दिखा रहा है, ऊपर लिखा हुआ है अंडर 5 मोर्टलिटी रेट, ये कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है, कम हुआ है. तो देखिए, अगर कहा जाए कि पिछले 20 साल में MMR, इनफैक्ट
सीएमआर चाइल्ड मोर्टलिटी रेशियो, एमएमआर मदर मोर्टलिटी रेशियो हो जाता है, कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? कम हुआ है, बहुत कम हुआ है भाई। ये करीब 16 या 14 से बहुत कम आ गया है, 10 के आसपास आ गया है। ये दिखा रहा है ग्राफ, रेड वाला और ब्लू वाला ग्राफ एक साथ ड्रॉ किया गया है, और इसका मतलब है शेयर ऑफ अंडरनिस्ट इन द पॉपुलेशन एंड प्रीवेलेंस ऑफ वेस्टर्निंग इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर, ये भी कम हुआ है ना। तीसरा है प्रीवेलेंस ऑफ वेस्टिंग इन चिल्ड्रन अंडर 5, ये भी कम हुआ है, देखिए, और बहुत ज्यादा कम हुआ है ये तो। तो जब हमारे यहाँ स्टनिंग, वेस्टिंग और अंडरनरिशमेंट कम हो रहा है, तो हमारा हंगर इंडेक्स आगे कैसे बढ़ रहा है? इसके बाद दूसरे वाले ग्राफ में स्टेट को कंपेयर किया गया है, चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर हु आर वेस्टेड, जो वेस्टेड चिल्ड्रन है, वेस्टेड का मतलब क्या होता है, वेस्टेड और स्टंटिंग, ये दो टर्म यूज किए जाते हैं। एक में एज के हिसाब से उनकी डेवलपमेंट नहीं होती है, दूसरे में हाइट के हिसाब से उनका वेट नहीं होता है, बहुत ज्यादा दुबले पतले होते हैं, उन्हें हम वेस्टिंग कहते हैं। प्रीवेलेंस ऑफ वेस्टिंग ये चार्ट बता रहा है, आप चाहें तो देख लें, ओनली 6 स्टेट्स परफॉर्म वेटर ऑन द काउंट, नो चेंज वर रिकॉर्डेड इन 2 स्टेट्स, ठीक है, लेकिन इतना भी बुरा स्थिति नहीं है। तीसरे वाले में स्टंटिंग दिखाया गया है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, लॉन्ग पेंडिंग ट्रेड टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड इजराइल, कितने साल हो गए भाई इंडिया इजराइल को मिले हुए, लॉन्ग पेंडिंग बोल रहा है ये। आपको याद होगा अब्राहम एकॉर्ड, पिछले साल यूएई और इजराइल के बीच में अमेरिका ने दलाली की थी, ब्रोकर था वो, उसने दोनों को बिठाया और दोनों को एक दूसरे से हाथ मिलवाया था, नाम है इसका अब्राहम एकॉर्ड। एक क्वेश्चन आया था पीसीएस में कि क्या यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, या अंग्रेजी में बोले तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अरबियन वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री है जिसने इजराइल के साथ हाथ मिलाया? नहीं, उसके पहले भी सऊदी अरबिया खुद और बाकी के दूसरे कंट्रीज भी इजराइल के साथ मिल चुके हैं, बाद में अलग हो जाते हैं जब इजराइल कभी भी फिलिस्तीन को लेकर के आ जाता है। बातें और ये इंडिया इजराइल के रिलेशन की, वाटर इरिगेशन में, वाटर इरिगेशन इफिशियंसी में इजराइल इंडिया को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाता है। बाकी रिलेशन आप इन दोनों के, अगर मेंस के लिए आपको आर्टिकल चाहिए तो 2-4 आर्टिकल मिल जाएंगे, आप उसमें ये भी मेंशन कर सकते हैं कि लास्ट टाइम अपने फॉरेन जो मिनिस्टर थे जयशंकर साहब, वो वहां गए हुए थे, क्या क्या बातें हुई, अभी तो चीजें आएंगी निकल करके। ऑब्वियसली क्या क्या होगा एजेंडे में, एक तो FTA होगा, है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दूसरा क्या होगा, एक टर्म यूज हो रहा है इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन, UEUA, EUA WTO का एक नॉर्म्स है, जिसमें अगर कोई डिजीज एपिडेमिक हो जाता है, पेंडेमिक हो जाता है, तो पेटेंट को भूल जाया जाएगा कि इस दवाई का पेटेंट हो रखा है जिसके, जिससे कि ये डिजीज खत्म हो सकती है, और किसी भी कंट्री को, किसी भी कंपनी को अलाउ किया जा सकता है, ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के तहत होता है। तो प्री में क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ईयूए, या ईयूए है क्या? तो भाई आप यूरोपियन यूनियन ऑथराइजेशन ना समझ लें, ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है, ये WTO में यूज होने वाला टर्म है, और WHO पेटेंट के लिए WTO, और मेडिसिन के लिए WHO, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मिस्टर टेड है ना, टेड्रोस एंथम याद होगा आपको, उनके ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो इसके बारे में बातें होंगी। जयशंकर ने कहा है कि ग्रेट प्लेजर है कि इजराइल के साथ, इजराइल के पास मैं आया हूं, और ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस की भी बात करेंगे, उन्होंने कहा है कि इजराइल ज्वाइन करेगा। COP26 ग्लासगो में होने वाला है इसी नवंबर में, ये भी इंपॉर्टेंट है, जगह इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, फ्रेम ऑफ माइंड, ये बच्चे कुछ यहां पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं आपको, ये किसी स्विमिंग पूल में नहीं है,
ये केरला ने जो पानी छोड़ा है डैम से, वो तमिलनाडु में एक मंदिर है मुरुगन टेम्पल, गुरुकुत्थारी मुरुगन टेम्पल। एक रिवर है तमीरा वर्नी, तिरुनवेली डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु में। ऑब्वियस ही बात है, नेम इनके बड़े शानदार होते हैं, है ना, बोल करके लगता है अंदर से एम्पावरमेंट फील होता है। तमीरा वर्नी, मुरुगन, तिरुनवेली। तो एक्चुअली ये मुरुगन टेम्पल का जो परिसर है, इसका जो एरिया है, वहां पे ये पानी भरा हुआ है और ये बच्चे वहां नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। दैट्स वाई टाइटल पड़ा है फ्रेम ऑफ माइंड। इनको नहीं पता, इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या कौन मर रहा, फ्लड में मर गए क्या लोग, ये तो बस पानी मिला है नहाएंगे। तो मुरुगन टेम्पल कौन सी नदी के किनारे है? अब देखो यहीं से आ जाएगा क्वेश्चन, हम ढूंढते रहेंगे कि पता नहीं यूपीएससी कहां से पूछ दिया। तमीरा वर्नी एक रिवर है तिरुनेल्ली डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे मुरुगन टेम्पल है, जरूर नोट कर लो, और चाहो तो लिख लो, दीवार पे लिख लो ताकि याद हो जाए। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। जुडिशियरी शुड नॉट एक्ट एज सुपर लेजिस्लेचर। बहुत फाइन आर्टिकल आया है, बहुत वर्षों बाद ऐसा आर्टिकल सुनने को मिला है। सेंटर का कहना है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और किसी भी कोर्ट को खुद को लेजिस्लेचर का लेजिस्लेचर नहीं मानना चाहिए, यानी सुपर लेजिस्लेचर नहीं बनना चाहिए। ऐसा कोई कानून नहीं है जो जुडिशियरी को हर बात में टांग अड़ाने की इजाजत देता हो। हो सकता है हम पे भी ऐसा बोलने पर लग जाए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बट ये फैक्ट है। हाल ही में क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने अमेंड करना चाहा, ये जितने टाइप के जो ट्राइब्यूनल होते हैं इनके मेंबर्स और चेयरमैन के टेन्यूर को लेकर के, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो पड़े रहते हैं बस 5 साल, 10 साल, 15 साल। कई बार ऐसा होता है कि मनमानी उनकी होती है, पोस्ट रिटायरमेंट कुछ ऐसा करते हैं कि उन्हें वो पोजीशन मिल जाता है मेंबर का या चेयरमैन का। गवर्नमेंट ने इसमें रिफॉर्म करने की बात कही कि मैं एज को कम करूंगा और जो अपॉइंटमेंट का तरीका है उसे चेंज करूंगा। तो एक बहुत रेस्पेक्टेड, मैं इनको बहुत इंटेलेक्चुअल भी मानता हूं, पास्ट में ये एनवायरमेंट मिनिस्टर भी रहे, जयराम रमेश, राज्यसभा के मेंबर हैं, इन्होंने इसको चैलेंज किया। चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया कि नहीं, सेंटर ऐसा नहीं कर सकता भाई। तो उस पे सेंटर का स्टेटमेंट आया है कि सुपर लेजिस्लेचर मत बनो। खैर छोड़ते हैं इसको, ज्यादा डिस्कस करेंगे फिर सीधी सी बात है, पढ़ने वाले पे भी और पढ़ाने वाले पे भी दोनों जाएंगे जेल। वैक्सीन कैंपेन लैक्स डिस्पाइट पाइल अप ऑफ स्टॉक। हमारे पास ट्रक भर भर के वैक्सीन पड़े हुए हैं लेकिन फिर भी वैक्सीनेट नहीं हो रहे हैं, क्या रीजन हो सकता है? अगर आप बहुत इंटेलेक्चुअल है तो कहेंगे चेन सप्लाई अच्छा नहीं है, अगर आप अगेंस्ट गवर्नमेंट हैं तो कहेंगे कि नहीं ये सही चीज नहीं है, लोग मर जाएंगे, बीमार हो रहे हैं इससे। बट एज ए स्टूडेंट, एज यूपीएससी कैंडिडेट, आप किस में इंटरेस्टेड होंगे, क्यों ऐसा हो रहा है? क्वेश्चन मेंस में बन सकता है, डिस्पाइट पाइल अप ऑफ स्टॉक इन आवर कंट्री, वैक्सीनेशन रेट वॉज स्लो फॉर लास्ट 2 ईयर, वाई? तो बहुत सारे रीजन है, आपको यहां भी एक दो रीजन मिल जाएंगे, आप चाहें तो पढ़ लें इसको। फिलहाल एक इंस्टीट्यूट नजर आ गया है, एक इंस्टीट्यूशन नजर आया, नटागी, पहले भी हमने इस पे बात की थी। नटागी, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, नटागी। ये एडवाइजरी कमेटी होता है केवल, सॉरी। कैन नॉट रश नॉट फॉर कोवैक्सीन, WHO और कोवैक्सीन सौतन हो गए एक दूसरे के दोनों। कोवैक्सीन कह रहा है हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, WHO कह रहा है हम तुम्हें वैलिड ही नहीं करेंगे। रीजन क्या है? क्या स्पुतनिक कोवैक्सीन से सही है? क्या बाकी के जो जायडस वगैरह आ रहे हैं या बाकी के जो फॉरेन कंट्रीज बना रही है, जैसे नोवोवैक्स एक वैक्सीन है, कोवोवैक्स है नोवोवैक्स का, कोवोवैक्स, ये इसलिए याद आ गया कि एक पीसीएस ने अभी पूछा था कोवोवैक्स किसने बनाया है। कोवोवैक्स एक नोवावैक्स करके कंपनी है, उसने बनाया है ना, ये ना तो कोवैक्सीन है और ना ही कोविशील्ड है, कोवोवैक्स एक अलग ही वैक्सीन है। तो कोवैक्सीन में ऐसी दिक्कत क्या है? चलिए दो चार बातें पहले कोवैक्सीन की ही कर लेते हैं।
कोवैक्सीन इंडिया का इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन है, फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड, जो भारत बायोटेक ने आईसीएमआर के साथ मिलकर के बनाया है। आईसीएमआर जिसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है पुणे में, उसके साथ मिलकर के बनाया है। ये बायोसेफ्टी लेवल 3 तक क्लियर कर चुका है। 3 लेवल होते हैं जनरली, एडवांस लेवल माना जाता है काफी, बायोसेफ्टी लेवल 3 क्लियर कर चुका है उसे। इसका जो टेक्निक है उसे कहा जाता है होल वायरन इनएक्टिवेटेड वेरोसेल। मैं यहां लिख देता हूं होल वायरन इनएक्टिवेटेड वेरो सेल। ये टेक्नोलॉजी है इसकी, कोवैक्सीन की बनने की। अब इतना लंबा नाम है आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, है ना, एमआरएनए डीएनए डीएनए याद हो जाता है, तो ये होल वायरन इनएक्टिवेटेड वेरो सेल तो ऐसे ही याद हो जाएगा। इस टेक्निक पे बनाया गया है, इस टेक्नोलॉजी को यूज करके इसे बनाया गया है। इनएक्टिवेटेड का मतलब होता है कि ऐसे पैथोजेंस आपके, ऐसे वायरस आपके शरीर में इंजेक्ट किए जाते हैं जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हाँ बाहर से आने वाले पर अटैक कर देंगे। अगर बाहर से कोई पैथोजन आएगा तो उस पर वो अटैक कर देंगे। इंडिया करेंटली 3 वैक्सीन को फ्रीक्वेंटली यूज कर रहा है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन एंड स्पुतनिक 5, और 2-3 और लाइन में है, जैसे बायोलॉजिकल ईसीईएस का कॉर्वी वैक्स है, एक वैक्सीन है कॉर्वी वैक्स। ये ना तो सीरम का है ना बायोटेक का है, ये कंपनी है, इसका नाम है बायोलॉजिकल 3, बायोलॉजिकल E3 या ईएस कह सकते हैं। और नोवावैक्स का कोवावैक्स तो बता ही चुका मैं आपको। इन सारे वैक्सीन के एक ही काम होते हैं, एंटीबॉडीज आपके बॉडी में डालना, आपके बॉडी में एंटीबॉडीज क्रिएट करना, ताकि वो एज सच कोविड एज सच वायरस से फाइट कर सके। ये कई टाइप के होते हैं वैक्सीन, एमआरएनए होते हैं। अब डीएनए पे काफी काम चल रहा है, और डीएनए आया तो बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगा, जो इफिकेसी रेट होगी बहुत ज्यादा होगी, हाई लेवल की होगी। बाकी कोविड तो बताइए आपको, सार्स कोविड-19 की देन है ये कोविड वायरस। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। पार्ट टाइम एम्प्लॉय नॉट एंटाइटल टू रेगुलराइजेशन, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। कौन से आर्टिकल में है ये वही जाने, एज सच कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का राइट जो मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट को, कुछ भी कह सकता है भाई सुप्रीम कोर्ट। कुशीनगर कनेक्ट टू श्रीलंका, ये कुशीनगर वही कुशीनगर जहां महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। देखते हैं अगले आर्टिकल को। पैनल टू स्टडी इंडियन कल्चर डिड नॉट सबमिट रिपोर्ट, एएसआई। एक अंदर का बहुत ही मामला आया है, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कुछ याद आया, अलेक्जेंडर कनिंगम फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया गया था अंडर गाइडेंस ऑफ अलेक्जेंडर कनिंगम के। एएसआई का कहना है कि 2016 में एक पैनल बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जिसे ये काम दिया गया था कि इंडियन हिस्ट्री को तुम 12,000 साल पहले से शुरू करके और अब तक की इंडियन हिस्ट्री पर एक रिपोर्ट दो। एएसआई का कहना है कि वो रिपोर्ट अब तक हमें नहीं मिला है। तो एएसआई नो डाउट इंपॉर्टेंट है। कल हमने देखा था कि हाइपरसोनिक मिसाइल की बात हो रही थी, कि पूरी दुनिया का एक राउंड लगा करके और टारगेट को मिस कर गया था, ऐसा कहना था यूएसए का। चाइना ने डिनाई किया है कि ऐसा कोई मिसाइल नहीं हमने बनाया। हाइपरसोनिक का मैंने बताया था, इसका मैक होता है 5। हाइपरसोनिक है मैक नंबर 5, 5 गुना ज्यादा स्पीड होता है साउंड से। मैक का मतलब स्पीड ऑफ साउंड, 1 यूनिट। तो खैर इनकी बातें तो चलती रहेगी। रसिया ने
नाटो 1949 मिशन को सट कर दिया है, इनका भी चलता रहता है, काफी रोमांटिक चीजें चलती रहती है इनके यूएस और रसिया के बीच में, वो उसका बंद करेगा वो उसका बंद करेगा। एक ट्रीटी याद होगा आपको पिछले साल खूब हुआ था, वो ट्रीटी भी दोनों ने मना कर दिया था कि ट्रीटी वैलिड नहीं है, हटाओ। बांग्लादेश वायलेंस नीड्स टू स्टॉप, यूएन का कहना है, यूनाइटेड नेशन का कहना है बांग्लादेश वायलेंस बंद किया जाए जल्दी से जल्दी, यूनाइटेड नेशन जो केवल कहने वाली बॉडी है। रीजन क्या है, द हिंदू ने रिपोर्ट दिया था इस्कॉन लीडर्स के लिए कुछ है ना उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, डिटेल आप चाहें तो पढ़ लें। म्यांमार ने 5000 प्रोटेस्टर जो है उनको फ्री कर दिया है। म्यांमार से याद आता है रोहिंग्या और रोहिंग्या से याद आता है फिर से बांग्लादेश, क्यों, क्योंकि बांग्लादेश का एक आइलैंड है, वो आइलैंड अभी कुछ साल में ही डेवलप हुआ है तो वो कभी भी अंदर जा सकता है। वो आइलैंड एक्चुअली जमीन पर नहीं है, वो आइलैंड वाटर आइलैंड है, वहां पे जो प्लांट्स हैं वो वाटर में तैर रहे हैं और उसी पे लोगों को बसा दिया गया है रोहिंग्या को। आप बताइएगा कि उस आइलैंड का नाम क्या है, ये ऑलरेडी आ चुका है पेपर में। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। एनसीएलटी गिव्स नॉट फॉर मीट ऑन फ्यूचर डील। एनसीएलटी क्या होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है ना, ये सब गवर्नमेंट की देन है, मोदी गवर्नमेंट की देन है, 2016 बहुत डिस्कस कर चुके हैं इसे हम। एनसीएलटी, जो लोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन से दुखी हो जाते हैं वो एनसीएलटी की शरण में आते हैं कि हमारे ऊपर इतना फाइन हो गया, ये हो गया, बचाइए हमें। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। टी एक्सपोर्ट फॉल 14% इन फर्स्ट 7 मंथ ऑफ 2021। चाय पीना छोड़ दिया है लोगों ने कोविड में ऐसा लगता है। एक्सपोर्ट टी का फॉल हुआ है, अगर प्री का क्वेश्चन आए कि लास्ट 1 ईयर में टी एक्सपोर्ट में फॉल हुआ है तो जरूर यस मारे आप। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कोविड के कारण लेबर्स को घर भेजा गया, प्रोडक्शन सही नहीं हुआ तब एक्सपोर्ट हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि चाय पीने वाले कम हो गए, चाय तो भर भर के लोगों ने पिया है कोविड में। चाइनाज इकोनॉमी स्टम्बल्स ऑन पावर क्रंच, साउथ चाइना कोल डिफिशियंसी से काफी दिनों से अफेक्टेड रहा है, इंडिया भी रहा है, र्यूमर्स तो एटलीस्ट बने थे इंडिया में। स्पोर्ट में कुछ ऐसा नहीं है जैसा कल आया था, दो ऑर्गेनाइजेशन आईओसी और वो ओलंपिक कमेटी और फीफा वाले है ना, उन दोनों के चेयरमैन के नाम आपको याद रहने चाहिए, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज पर्सनल और ग्लोरिफिकेशन के अलावा कुछ ऐसा नहीं है तो इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। सो आज के न्यूज आर्टिकल में इतना ही, कल मिलते हैं 20 अक्टूबर को, तब तक आप इनको रिवाइज करें और डिटेल सर्च करें। नमस्कार।